अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कॉर्नर। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रॉबेरी जेलो शॉट्स। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने ले लिया है स्ट्रॉबेरी जेली हाफ कप, ये हाफ पैकेट है ये मैं ले लूँगी। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हाफ कप गरम पानी, बिल्कुल ये बॉयल होता हुआ गरम तेज़ गरम पानी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से विस्क कर लूँगी। मिक्स करते जाना है इसको जब तक कि इसकी सारे ये जेली इसमें सारी घुल ना जाए। चलो जी, ये देखिए अच्छे से ये घुल चुकी है। चले जी, देखिए मैंने ले लिए हैं ग्लासेस, शॉर्ट ग्लासेस बोलते हैं इसको, छोटे साइज़ के ग्लासेस हैं। इनको मैंने इस तरह से ये कपकेक ट्रे में मैंने टिश्यू ऐसे रोल करके डाल दिए हैं और ये ग्लासेस इसमें मैंने इसे टेढ़े करके रख दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें अपना जो हमने अभी जेली तैयार की है स्ट्रॉबेरी जेलो वो इसमें डालूँगी मैं। ये देखिए हाफ हमें इसको भर देना है जेली से सारे हमारे ग्लासेस को। चलें देखिए मैंने सारे ग्लासेस भर दिए हैं। इसके अलावा मैं एक सिंगल बोल में भी सेट करूँगी, ये देखिए ये एक कप है, इसमें भी मैं सेट कर दूँगी इसी तरह से जेली। इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी फ्रिज में जब तक कि जेली हमारी अच्छे से सेट ना हो जाए। ठीक है, जब तक हम अपना कस्टर्ड बना लेते हैं। चले जी, ये मैंने लिया है दूध एक कप, बॉईल कर लिया था इसको मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और शुगर को डिसॉल्व होने तक वेट करेंगे। शुगर जब तक हमारी डिसॉल्व हो रही है हम झटपट अपने कस्टर्ड को मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। ये हमारा कस्टर्ड भी हो गया है, इसका मिक्सचर भी रेडी, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलें जी, ये देखें दूध में हमारे शक्कर जो हमने डाली थी वो अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब मैं ये कस्टर्ड का मिक्सचर इसमें डालूंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी। ठीक है जी, ये देखें चम्मच में चलाते जा रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने, गाढ़ा होने तक हम इसको पकाएंगे। चलें जी, ये देखें कस्टर्ड हमारा हो चुका है गाढ़ा। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी रूम टेम्परेचर पे। चलें जी, ये देखें कस्टर्ड मेरा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे ही मैंने इसको ठंडा किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम, पैकेट की ये क्रीम है 2 टेबलस्पून, ये चली गई। चलें इसको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूट कॉकटेल, हाफ कप है ये, मैंने जो टिन आता है वो ले लिए थे फ्रूट्स और इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इसमें मिक्स अच्छे से। चले जी, ये देखें जेली भी मेरी अच्छे से जम चुकी है, ये देखें बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुकी है। मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो अभी हमने तैयार किया है, अब मैं वो
स्पून की मदद से थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी। चलिए जी, ये देखें इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी। देखें आप, ये कितना ये खूबसूरत लग रहा है इसका। चलें इसी तरह मैं अपने बाकी भी शॉट्स को इसी तरह से मैं कस्टर्ड फिल कर दूंगी, बाकी अपने ग्लासेस में भी। चलें जी, ये देखें मैंने अपने तीनों चारों ग्लासेस सारे अपने भर लिए हैं कस्टर्ड से भी। ऊपर से मैं इसके ऊपर रख दूंगी चेरी, ठीक है। अब मैं इनको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी आधे से एक घंटे तक के लिए, जब तक ये बहुत अच्छा सा चिल हो जाए, इतना हमें इसे ठंडा करना है। तो ये देखें जनाब, बहुत अच्छे से ये देखें सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। एक मैंने देखें इस तरह से बना लिया था एक, और ये देखें मेरे शॉर्ट्स कस्टर्ड स्ट्रॉबेरी जेलो शॉर्ट्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। बहुत बहुत ही मज़ेदार बने थे ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। Thanks for watching. Allah Hafiz.